आप बता देना, विषय विगत दिनों विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए परीक्षा नियमों में परिवर्तन किए जाने के संदर्भ में महोदय आपको अवगत कराना है कि विगत दिनों विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के नियमों में परिवर्तन किया गया है, जिसमें अब तक विद्यार्थियों को 100% प्रश्न हल करना अनिवार्य होगा, जबकि बहुत पहले से विद्यार्थियों को 100% प्रश्न पत्र में से 75 प्रश्न पत्र हल करने के होते थे। विश्वविद्यालय इस प्रकार के तानाशाही निर्णय से विद्यार्थियों के ऊपर शिक्षा विरोधी फैसले थोप रहा है। महोदय, इस छात्र विरोधी फैसले को तत्काल वापस लिया जाए अथवा विस्तृत उत्तरीय लिखित परीक्षा कराई जाए। विद्यार्थी परिषद आपको अगले 48 घंटे का समय देती है, अन्यथा विश्वविद्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। पहले से 75% उसमें भी और लग के दो क्वेश्चन दिए जाते थे हमें चॉइस के लिए, चाहे ये कर लो ऊपर वाला कर लो नीचे वाला कर लो कोई एक क्वेश्चन। आगरा विश्वविद्यालय भी ऐसे ही करा रहा है, उसमें भी चॉइस है, लेकिन आपने तो चॉइस ही खत्म कर दी। किसी विश्वविद्यालय ने चॉइस खत्म की है क्या सर? अभी सुनिए सर, आज तक आगरा विश्वविद्यालय हमारी सुन रहा है, 25 उसने आगरा विश्वविद्यालय भी दे रहा है, बरेली भी दे रहा है, सारे दे रहा है, बिल्डिंग तमाम किराए पे ले सकते हैं, चॉइस ही खत्म कर रहे हैं विद्यार्थी। चार ऑप्शन है कि नहीं ये बताओ, चार ऑप्शन है, 100% ऑप्शन होंगे तो और हमें सैलरी मिल जाएगी, तो दो कर दो, ऑप्शन नहीं सर, हमारा मानना है कि आपने कह दिया 75% क्वेश्चन करने होंगे, लेकिन सर आप अपनी क्लास 75% आप अपनी क्लास नहीं दे दिला पाते स्टूडेंटों को, 20 दिन में परीक्षाएं करा देते हैं सर, 20 दिन में सर आपने दिए हैं 100% कभी, आपने दिए कभी 100% सर, पिछले कराई है पिछली बार सर, 20 दिन में परीक्षा कराई सर आपने, आपने भी आप नहीं दिए होंगे लास्ट ईयर हुई थी 20 दिनों में, सही कह रहा है वो भी, 20 दिनों में परीक्षा कर दीजिए सर, उसमें रहेगा ही नहीं सर, पुनः विचार का कोई मतलब नहीं है, हम 48 घंटे का समय दे रहे हैं, अनिश्चित करो मत करो, हम आपको 48 घंटे का समय दे रहे हैं, सब विश्वविद्यालय एक ही है, आगरा विश्वविद्यालय भी है, विश्वविद्यालय भी है, उसने भी उत्तम किया है, आगरा का नकल करेंगे, हमारा भी आगरा करेंगे, मुख्यमंत्री जी का निर्णय है, आगरा चाहते हैं आगरा का, आप ये कहना चाहते हैं माननीय नकल ऐसी नजीर पेश करता है, ऐसी नजीर पेश करोगे आपकी नकल करेंगे, आप नकल कर ही नहीं सकता कोई सर, इसकी नकल तो कोई नहीं करेगा, आपने एक क्वेश्चन दिया एक ही करना होगा, अरे ये तो गलत है सर, 100% सर मुझे लग रहा है इसी यूनिवर्सिटी ने तो करा दिया, नहीं नहीं सर, ये तो दुनिया में हुआ नहीं, ऐसे ही यहां पर नियम बनवा करके दुनिया के ऐसे नियम पारित करने वाले हैं आप, एक सेकंड कि आगे कोई इतिहास बन जाए, आज इस समस्या को लेकर हम पास कॉलेज गए, डीएस कॉलेज गए, प्रत्येक छात्र आपके विरोध में, और आपको यकीन नहीं है तो पुलिस हटवा के आप जो है यहाँ मंडे को वेलकम कर लो छात्रों का, अगर आपको यकीन नहीं है तो पता चले प्रत्येक छात्र आपके विरोध में, कोई एक छात्र ठीक कह रहे हो आप, ठीक है आप ठीक कह रहे हो, ठीक कहते आते हो, ठीक ही कर देते हो, इस चीज के विरोध में ये गलत है, आज हम शालीनता के साथ आए, ये हमारा निवेदन था जो है ज्ञापन देने के लिए, अपना विश्वविद्यालय हमारा है, कॉलेज से हम यहाँ इतनी दूरी तक चल के आए केवल निवेदन करने के लिए हम लोग, कि ये जो है फैसला छात्र विरोधी है, इसको जो आप पलट लीजिए 2 दिनों के अंदर, निवेदन के साथ आए हम सर, आपने तो ऐसे फोटो खिंचा लिया, हम फोटो खिंचाने आए थे आपके साथ, समस्या लेने आए थे, इसका क्या कह सकते हैं, ताला लगाना भी बड़ा हमें बहुत गंदा लगा, आग निकल रही है
ये परस्पर संवाद जो होना चाहिए उसको बोलने का लिहाज है आपके यहाँ पे जो संवाद क्या हो रहा है ये क्यों ये क्या है ये ताला वाला आ गया है ताला नहीं लगना चाहिए ना तो यार जेल के अंदर बनाया गया है स्टूडेंट है कोई आतंकवादी तो है नहीं कि आकर के यहाँ बम फेंकेंगे अरे भाई ये बताओ आ गए कि नहीं आए स्वागत है आए बताओ हमारा निर्णय आपका सर हमारा निवेदन होता है आना इसलिए था सर निर्णय आपका था और इस निर्णय को ठीक आप ही कर सकते हैं आपके अगर घर में भी कोई आता है तो सर रिसीव करने के लिए आप बाहर तो जाते हैं हम तो छात्र हैं सर ये विश्वविद्यालय हमारा घर है सर यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे आप गेट लगाए हैं सर पूरी तरह से गलत है निवेदन अच्छा ना लग रहा हो तो फिर दूसरे बताओ सर और क्या हमसे तो साम दाम दंड वेद है सुबह और क्या तथा तथा धर्म ठीक है सर इकट्ठा कर लीजिए ठीक है सर ध्यान दीजिएगा सर एक बार सोमवार को नाना पड़े भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम एबीसी डायनामाइट डायनामाइट डायनामाइट